तो देखो 10-11 हज़ार के प्राइस पॉइंट के अंदर में आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। और आपने ये जरूर नोटिस भी किया होगा कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर में ज़्यादातर फ़ोन IPS डिस्प्ले के साथ ही आते हैं, बट मार्केट के अंदर AMOLED डिस्प्ले को बेस्ट डिस्प्ले माना जाता है फॉर मल्टीमीडिया वॉच करने के लिए, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले में कलर्स काफ़ी डार्क और एक्यूरेट आते हैं, और ऊपर से AMOLED डिस्प्ले बैटरी भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले। तो गाइस यदि आपको भी अपने लिए बेस्ट AMOLED डिस्प्ले वाला फ़ोन बाय करना है और आपका बजट 10-11 हज़ार के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और इन सारे फोन में आपको AMOLED डिस्प्ले तो मिल ही जाएगा, और उसके अलावा आपको अदर भी काफी सारे कमाल के स्पेसिफिकेशन भी मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आता है इन्फिनिक्स का फीचर लोडेड स्मार्टफोन इन्फिनिक्स Note 12i। और ये फोन दिखने में काफी अमेजिंग लगता है, जो आपको रियली में काफी पसंद आने वाला है। और ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है जो मैट फिनिशिंग के साथ आता है, और इसका वेट 1.8 ग्राम है, और इसके थिकनेस 7.8 mm की है। तो हाँ, ये फोन काफी हल्का और लाइट वेट भी है, और इसमें आपको हेडफोन जैक और डुअल स्पीकर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आप 2 SIM कार्ड एक माइक्रो एसडी कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे, और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके 4/64 का प्राइस 10,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को सिर्फ 9,000 पे बाय कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिस पर काम करती है नॉर्मल 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का TSR और 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और GG3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो देखो इसके डिस्प्ले में आपको कोई फास्ट रिफ्रेश रेट तो नहीं दिया गया है, बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है, जिस पे आप मल्टीमीडिया को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, जिस पर आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और ये फोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको हीलको G85 का प्रोसेसर दिया गया है, और 2 लाख के आसपास इसका एंथेटो स्कोर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और 3 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 MP का मेन कैमरा जिससे आप 2K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे, और 2 MP का डेप्थ और AI लेंस दिया गया है। और सामने की ओर आपको यू नॉच पे 8 MP की सेल्फी शूटर भी दी गई है। तो देखो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, जिससे आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से एवरेज पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। तो देखो 10,000 के अंदर में ये इन्फिनिक्स का काफी अच्छा फोन है, और आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और सेकंड नंबर पे आता है Moto G52 4G। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर में आप इस फोन को सबसे लेटेस्ट फोन बोल सकते हो, क्योंकि इसका वेट सिर्फ 169 ग्राम है, और डिजाइन वाइज भी ये फोन दिखने में काफी अमेजिंग और स्टाइलिश लगता है। और बहुत जल्द इसके ऊपर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मिलने वाला है। और इसमें आपको हेडफोन जैक और डुअल स्पीकर दिया गया है, और इसमें आपको IP52 रेटिंग और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। और सिक्योरिटी के लिए इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और इसके 4/64 का प्राइस 11,200 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें लगी है 6.6 इंचेस की FHD प्लस POLED डिस्प्ले, जिस पे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का TSR और 500 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो देखो POLED डिस्प्ले को मार्केट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले माना जाता है फॉर मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है 10-11 हज़ार के प्राइस पॉइंट के अंदर में। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट दिया गया, जो एक 6 NMBS प्रोसेसर है, और 270,000 के आसपास इसका एंथेटो स्कोर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम भी दी गई है। आप इस प्रोसेसर के ऊपर एक्सट्रीम गेमिंग तो नहीं, बट मीडियम टू लो सेटिंग के ऊपर कोई भी गेम को रन कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 MP का मेन कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का मैक्रो। और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 MP की सेल्फी शूटर दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसके बाकी के कैमरा तो किसी काम के तो नहीं है, बट आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से दिन के समय अच्छी डिटेलिंग के साथ पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। तो कैसे यदि आपको
11,000 के अंदर में एक फ़ोन लेना है जिसमें आपको डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस टॉप नॉच के मिल जाए तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और मेरे से लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे आता है Realme 10 4G। और पहली चीज जो आप इस पे नोटिस करोगे वो है इसका अमेजिंग डिजाइन, क्योंकि सीरियसली ये फोन दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है और इसके इन हैंड फील भी काफी अच्छी है क्योंकि इसका वेट सिर्फ 176 ग्राम है। और ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है जो फ्लैट एजेस के साथ आता है और इसकी थिकनेस 7.95 mm की है। और इसमें आपको हेडफोन जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया जो काफी लाउड और क्लियर है। और अच्छी बात ये है कि आप इसमें दो सिम कार्ड एक माइक्रो एसडी कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके 464 का प्राइस 11,500 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर और ऑफर अप्लाई करने पे आपको 1,000 का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई जिसपे काम करती 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240Hz का TSR और 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, Realme ने इसके डिस्प्ले को बेस्ट बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और आप एक मल्टीमीटर लवर हो तो मुझे नहीं लगता कि इसका डिस्प्ले आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट करेगा। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई जिस पर आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और ये फोन 33W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको Helio G99 का गेमिंग चिपसेट दिया गया जो एक 6nm बेस प्रोसेसर है और 370,000 के आसपास इसका एंथोस स्कोर देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये प्रोसेसर एक 4G चिपसेट है बट आप इसके ऊपर कोई भी गेम को मीडियम टू हाई सेटिंग पर रन कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 MP का मेन कैमरा और 2 का डेप्थ। और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 MP की सेल्फी शूटर दी गई है और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन, पेनोरामा जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके कैमरा को अच्छी रेटिंग भी दी गई है। तो गाइस 11-12 हज़ार के अंदर में ये रियलमी का काफी अच्छा फोन है जिसमें आपको डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, चिपसेट काफी अच्छा दिया गया प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो।